आज हम पढ़ेंगे चैप्टर थर्ड, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एनसीईआरटी क्लास 9। इससे पहले दो चैप्टर्स कराए जा चुके हैं और प्ले लिस्ट में आप फाइंड कर सकते हैं। इसको हमने ऐड किया है आर आर बी जी साइंस में, हम इसको वहां पे जाकर के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और हर एग्जाम के लिए भी फायदा करेगा। जैसे कि आरबी एनटीपीसी में साइंस का जहां जहां साइंस का पूछ रहा है तो ये बेसिक है, इसमें जाकर के आप फाइंड कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं कि क्या क्या है। अब पढ़ते हैं हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में कि इसमें क्या क्या एनसीईआरटी सिलेबस में क्या कवर किया गया है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ये दो टर्म्स हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स, इनको भी समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं जो पॉइंट्स दिए गए उससे। पहला है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसको लैवोजियर ने, इसको लैवोजियर और प्राउस्ट ने मिलकर के दिया था। इसमें दो रूल्स और हैं जिनको लैवोजियर और प्राउस्ट ने दिया है। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और दूसरा जो दिया इन लोगों ने मिलकर के लैवोजियर और प्राउस्ट ने, वो है लॉ ऑफ कंस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंस्टेंट प्रोपोर्शन। ये दो जो नियम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कंस्टेंट प्रोपोर्शन, इसलिए देने की जरूरत पड़ी क्योंकि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी देखा गया है कि जैसे वाटर का है H2O या फिर C6H12O6, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, इनमें कॉम्बिनेशन मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन कैसे हो रहा है। जैसे कि सी का एच का ओ का क्यों 6 मॉलिक्यूल है, क्यों हाइड्रोजन 12 का है और ओ के क्यों 6 मॉलिक्यूल्स का, एक कैसे कॉम्बिनेशन हो रहा है, इस चीज को डिफाइन करने के लिए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का खोज किया गया। लेकिन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन केवल ढूंढने से ये चीज सेटिस्फाई नहीं हो पा रही थी, इसलिए लैवोजियर और प्राउस्ट ने इन दो और नियमों को भी ढूंढा है, जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कंस्टेंट प्रोपोर्शन। तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को समझते हैं। इसमें वैसा ही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की तरह ही है कि जैसे कि मोमेंटम को क्रिएट नहीं किया सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया सकता, वैसे ही मास को भी क्रिएट नहीं किया सकता और डिस्ट्रॉय नहीं किया सकता। यानी कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे कि आप पढ़िए H2 और O2, तो ये टू मॉलिक्यूल्स H2O का बनता है, तो इसमें जो मास इन्वॉल्व है वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, इन दोनों इनका इसका मास इसमें ट्रांसफर हुआ है। यानी कि मास को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसी तरह से है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसमें क्या है कि कोई भी मॉलिक्यूल बनता है या कोई भी कंपाउंड बनता है तो उसमें जो भी कंपोजिशन होगा, जैसे ये देखिए C6H12O6, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यानी 6 मॉलिक्यूल कार्बन के, 12 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हमेशा ही रहेंगे, ये चेंज नहीं होगा, ये लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। यानी कि अगर इसको दो मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तब भी यही कंपोजिशन बना रहेगा, ये दोगुना हो जाएगा, ये उसका 12 का दोगुना हो जाएगा और ये 6 12 हो जाएगा। यानी कि इनका जो रेशियो मेंटेन है कंपाउंड को बनाने में, वो हमेशा ही मेंटेन रहेगा, यही कहता है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। तो इतना था इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब आगे इसी में पढ़ते हैं डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो इसको पहले से हम लोग पढ़ते हुए भी आ रहे हैं, ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, जो भी इम्पोर्टेंट इसमें से निकल गया था बस उसी को देखेंगे। अगर किताबों की तरह लिखने वाला पढ़ना होगा तो एनसीईआरटी में देख सकते हैं जाकर के, वहां पर लिखा हुआ है। जो इम्पोर्टेंट हम पढ़ते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में, ये कहता है कि जो भी पार्टिकल होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स, यानी कोई भी सब्सटेंस या मैटर इस दुनिया में है, वो सबसे स्मॉल पार्टिकल एटम से मिलकर के बना है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहती है कि ये एटम से मिलकर के बना है। अब जैसे ये छोटा पार्ट हुआ एटम, तो ना इसको इससे छोटे में हम डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि ये इंडिविजुअल पार्टिकल है और ये किसी भी मैटर का बेसिक कंस्टिट्यूएंट है। बेसिक कंस्टिट्यूएंट यानी
इसी से सारे दुनिया में जितने भी मैटर्स बने हुए हैं, जितने भी सब्सटेंस बने हुए हैं, जितने भी आप प्राणी बने हुए हैं, हम बने हुए हैं, सारे ही एटम से बने हुए हैं। यानी कि सबसे छोटी जो यूनिट है वो एटम है किसी की भी बनने की। तो ये डाल्टन सिद्धांत हमें थ्योरी से पता चला है। अब जैसे एटम है तो इसका एक रेडियस भी होगा, इसको बोलते हैं हम एटॉमिक रेडियस। और एटॉमिक रेडियस को हमेशा किस में हम मेजर करते हैं? नैनोमीटर में। किस मेजर करते हैं? नैनोमीटर में। ये मीटर का कितना होता है? 10^-9 मीटर होता है। अब जैसे कि ये हमने देख लिया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में, ही इंपॉर्टेंट था कि एटम के बारे में उन्होंने बताया था कि एटम कैसे होते हैं। एटम बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है, यानी किसी भी सब्सटेंस का मैटर का सबसे छोटा पार्ट एटम होगा। अब जैसे कि हमने हमेशा पढ़ा है H2 के लिए, H के लिए हाइड्रोजन, के लिए ऑक्सीजन, के लिए O, सल्फर, फास्फोरस और कभी कभी हीलियम, प्लेटिनम। ये जैसे ये क्या है, ये इनका नॉमेनक्लेचर है। क्या ये नॉमेनक्लेचर है? तो पहले जब इनका नॉमेनक्लेचर बनाया गया तो किसी डिजाइन में, जैसे कि ऐसे ये याद करने के लिए कठिन था। जैसे कि मान लीजिए कि हाइड्रोजन का रहा हो ऐसा, तो याद करना कठिन था। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट हुए बर्जीलियस, उन्होंने बहुत ही आसान तरीका बताया किसी भी हाइड्रोजन की, मतलब किसी भी एलिमेंट को नाम देने का, एलिमेंट को नाम देने का सबसे आसान तरीका बर्जीलियस ने बताया। उन्होंने कहा कि जैसे हाइड्रोजन है तो एच ले लीजिए, या प्लेटिनम है तो पी और टी ऐसे ले लीजिए। यानी कि फर्स्ट लेटर से बना लो, या फर्स्ट सेकंड के लेटर को मिला के बना लो, या फर्स्ट सेकंड थर्ड लेटर के एलिमेंट को मिला करके बना लो। तो इन्होंने इजी कर दिया नॉमेनक्लेचर किसी भी एलिमेंट का, और याद करना इजी हो गया। तो बर्जीलियस ने ये बताया था कि हाइड्रोजन को एच से, हीलियम को एच ही से, और आर्गन को आर से कर सकते हैं, ऐसे करके बताया इन्होंने। अब एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास जैसे कि इंसान होते हैं, या दुनिया में कोई भी वस्तु है उसका कुछ ना कुछ मास है। उसी तरह से कोई भी एलिमेंट बना हुआ है तो एटम से मिलकर के बना हुआ है। और एटम को हम अगर वेट कर लेते हैं इसका, और बता देते हैं कि एक एटम कितने वेट के बराबर का होगा, तो हम पूरे दुनिया में मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट्स जितने भी बन सकते हैं उस एटम से, उनके हम वेट को बता सकते हैं। तो हम कैसे बताएंगे कि वन एटम का वेट कितना होता है? तो इसको भी बहुत इस पर रिसर्च किया गया, और बाद में पता चला कि वन एटम को हम ये बोल सकते हैं कि 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम। यानी कि जो कार्बन है उसका एक एटम का एक बारहवा भाग जितना मास कंटेन करता है उसी को हम एटॉमिक मास बोलते हैं। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि C12 आइसोटोप, यानी कार्बन का C12 रूप आइसोटोप, जितना इसके में इसका बारहवा भाग जितना एटम जितना मास कंटेन करता होगा उसको हम वन एटॉमिक मास बोलते हैं। और यही है स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर वेइंग एटम्स। जैसे कि हमारे पास क्या होता है, MKS यूनिट होती है, CGS यूनिट होती है, ये क्या है, FPS यूनिट है, ये क्या है, एक स्टैंडर्ड सिस्टम है किसी को मेजर करने का। वैसे ही एटम को मेजर करने का स्टैंडर्ड यूनिट की स्टैंडर्ड सिस्टम क्या बना दिया गया, C12 आइसोटोप, इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग मेजर करते हैं। तो ये था एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट। अब अगर इसको फॉर्मूले के बेस में लिखते हैं तो एटॉमिक मास को हम लिखते हैं एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 C12 एटम। ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको एटॉमिक मास को अगर निकालना हो या एटॉमिक मास को समझना हो तो ये एक फॉर्मूला है। इसमें हम बेसिक चीज की बात कर रहे हैं, बेसिक अगर चीजें समझ में नहीं आएंगी तो बड़े लेवल का क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, और बेसिक चीजें याद करना समझना जरूरी है। तो आगे पढ़ते हैं कि एटम्स, जैसे कि बताया गया कि एटम्स को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, उसी प्रकार एटम अकेले नहीं एग्जिस्ट कर सकता, वो हमेशा किसी ना किसी ग्रुप में एग्जिस्ट करेगा, उसका अकेले कोई वजूद नहीं है। यानी हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन तो अकेले H नहीं होता, H2 होता है, इसके साथ ही ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो H मिलके ही रहते हैं। ऑक्सीजन भी है तो A2 यार ऐसे ही करके अकेले नहीं एग्जिस्ट कर सकते, ये दो लोग ग्रुप में ही एग्जिस्ट करते हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम कि एटम के बारे में इतना हमने पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं मॉलिक्यूल के बारे में कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या है कि ये
सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, किसी एलिमेंट के हो सकते हैं, किसी कंपाउंड के हो सकते हैं, और ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, और ये वही नेचर सेम रखते हैं जैसा उसका फर्स्ट यूनिट। जैसे कि अगर हाइड्रोजन है तो ये क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगा H2 मिलके बनेगा मॉलिक्यूल। इसमें क्या होगा कि जो ये जो इसका नेचर है, जो हाइड्रोजन का नेचर होगा वो H2 का भी नेचर होगा। ये मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी। मॉलिक्यूल्स में क्या है कि मॉलिक्यूल्स दो तरह के हो सकते हैं, एक एलिमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, दो तरह के होते हैं। एलिमेंट एलिमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स में क्या है कि जैसे आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन, ऐसे करके ये बनता है एलिमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। और कंपाउंड में क्या होगा, कंपाउंड में इससे बड़ा जैसे C6H12O6, ये एक मॉलिक्यूल है किसे, ग्लूकोज का, यानी ये कंपाउंड ही है, इसको बोलेंगे हम एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का। और जैसे आर्गन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है किसी एलिमेंट का। तो इस तरह से मॉलिक्यूल्स को डिफाइन किया गया है। अब अगला है कि एटॉमिसिटी किसे बोलते हैं, एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी क्या है, एटॉमिसिटी को डिफाइन कर सकते हैं जैसे किसी कैपेसिटी होती है, इसी तरह से एटॉमिसिटी से भी बता सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल। मतलब कि किसी भी मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कितने कितने एटम्स की जरूरत पड़ेगी, कितने किसी भी मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कितने एटम्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि ऑक्सीजन है, इसके में 8 एटम्स की जरूरत पड़ेगी, तो इसकी एटोमिसिटी कितनी हो गई, 8। या ऐसे कह लीजिए कि कितना उसके में मास होगा, कितना उसमें एटम होगा, जिससे कि उसका मास डिसाइड कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं हम एटोमिसिटी। और इसका फॉर्मूला है, इसका डेफिनेशन ऐसा बोल सकते हैं कि कितने एटम लगेंगे, कितने एटम की जरूरत होगी किसी मॉलिक्यूल्स को बनाने में। अब अगला हम पढ़ते हैं एटोमिसिटी के बाद वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, तो वैलेंसी वही है कैपेसिटी किसी के साथ, कोई एक जैसे आदमी हो कितने लोगों से इंटरेक्ट कर सकता है, या कितने लोगों को एक साथ बात कर सकता है, या कहिए कि अपने दोनों हाथ से कितना काम कर सकता है। तो वैलेंसी क्या है कि ये कैपेसिटी है किसी एटम की, ये कैपेसिटी है किसी एटम की कि वो कितने एलिमेंट्स से कंबाइन हो सकता है, यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। ये क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम है। जैसे कि अगर हाइड्रोजन की बात करें तो ये जब भी होगा एक ऑक्सीजन, एक ही किसी, जैसे कि ऑक्सीजन से है तो ये एक ही किसी लोग से कंबाइन हो सकता है, जबकि ऑक्सीजन क्या है, इसके पास 6 होता है, तो ये 6 लोगों से कंबाइन कर सकता है। यानी कि ये बैलेंसी है, तो कितना अवेलेबल है उसके पास फील्ड साइड, जिससे वो किसी और दूसरे लोगों से कंबाइन कर सकता है और एलिमेंट्स को बना सकता है। जैसे कार्बन की बात करें तो ये 4 लोगों से कंबाइन कर सकता है, इसके पास 4 साइड्स अवेलेबल है, और ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से, 4 हाइड्रोजन से मिल करके मीथेन बना सकता है। ये इसकी कैपेबिलिटी है, यानी इसकी बैलेंसी कितनी होगी, +4। ऐसे ही ऑक्सीजन की भी डिफाइन कर सकते हैं, तो -2 हो सकती है वैलेंसी, क्योंकि वो अलग अलग चीज है, -2 क्यों होगी ये भी देख लीजिए, O2 माइनस होती है क्योंकि इसके पास 6 इसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसको बस दो दो ही चाहिए, क्या करने के लिए, इसको अपने 8 को पूरा करने के लिए 2 एलिमेंट चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, तो इसके ऊपर इसलिए 2 का -4 है, और ये बोलते हैं कि 2 की वैलेंसी है। तो ये था वैलेंसी का कॉन्सेप्ट। और अब अगला पढ़ते हैं हम कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। ये बहुत क्वेश्चंस पूछ भी सकता है कि किसी का मॉलिक्यूलर मास निकाल दो, किसी का एटॉमिक मास निकाल दो, और किसी का मोल कॉन्सेप्ट भी निकालने के लिए पूछ सकता है कि मोल बता दो। तो हम मॉलिक्यूलर मास को समझते हैं कि मॉलिक्यूलर मास क्या है, कि ये सम है सारे एटॉमिक मास का जो एटम्स के मॉलिक्यूल में मौजूद होते हैं। कि जैसे कोई मॉलिक्यूल है, मान लीजिए C6H12O6 या HNO3, तो ये इसमें कितने एटम्स अवेलेबल है, कितने एटम्स अवेलेबल है, उनको अगर हम सम कर दें, उनको हम जोड़ लें, तो हमें हम मॉलिक्यूलर मास तक पहुंच जाएंगे। ये होता है मॉलिक्यूलर मास। अगर डिफाइन करें तो इसको सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस, इसे बोलते हैं हम मॉलिक्यूलर मास। और एटॉमिक मास को क्या डिफाइन करेंगे, इसी तरह से सेम है, बस क्या चेंज होगा कि ये सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये किस में था, मॉलिक्यूलर यूनिट में था।
मॉलिकुलर मास किससे डिफाइन निकालते हैं, मॉलिकुलर यूनिट से। और हम इसको कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला यूनिट में, फॉर्मूला यूनिट में जितने भी एटॉमिक मास होंगे और अगर उनको सम कर देते हैं तो वो वहां से हमें निकल के आएगा एटॉमिक मास। ये जैसे कि सी ए सी एल टू है, इसका जैसे टू मॉलिक्यूल सी एल टू का, एक मॉलिक्यूल सी ए का, इसका हम एटॉमिक मास अगर जोड़ देंगे जैसे कि वन इंटू सी ए इतना होगा और टू इंटू सी एल, यहाँ भी इसका एटॉमिक मास रखेंगे और सी ए का एटॉमिक मास रखेंगे और दोनों को सॉल्व कर देंगे तो जो निकल करके आएगा रिजल्ट वो होगा एटॉमिक मास। ये हमें हमें पता चल गया मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास क्या होता है। अब समझ लेते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट में क्या क्या है, कि मोल कॉन्सेप्ट क्या बताता है हमें। जैसे कि ये है मोल कॉन्सेप्ट, तो मोल कॉन्सेप्ट तो पहले किसने दिया, सबसे पहले वो दिया है ओस्टवाल्ड ने, विलहेम ओस्टवाल्ड ने इसका मोल कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला बताया। इन्होंने बताया कि जैसे कि इसमें अवोगाड्रो नंबर की बात की गई, अवोगाड्रो नंबर से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कितने नंबर, कितने उसके में मोल अवेलेबल है। जैसे कि अगर हम बोले कि वन मोल ऑफ किसी चीज का भी, यहाँ पे जनरल अभी समझते हैं, वन मोल ऑफ, तो ये होगा 6.022 × 10⁻²23 नंबर। जैसे कि हम कहते हैं कि वन डजन, तो इसका मतलब होता है कि 12 नंबर, 12 की संख्या। तो उसी तरह से एक मोल किसी का बोलेंगे तो हमको ये समझ में आया कि 6.022 × 10⁻²23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसके में अवेलेबल है। ये है अवोगाड्रो नंबर का कॉन्सेप्ट। इसके में क्या है कि अगर मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस बताना है, मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस बताना है हमको, तो हम क्या करेंगे, ये क्या बोलेंगे हम कि ये रिलेटिव एटॉमिक आर मॉलिक्यूलर मास ग्राम में है, यानी कि ये रिलेटिव मास है 6.022 × 10⁻²23 के रिलेटिव मास। जैसे कि हम बता सकते हैं कि एक डजन में 12 होता है तो एक मोल में कितना होगा, कितने पार्टिकल उसके अवेलेबल होंगे, 6.022 × 10⁻³23 पार्टिकल। तो मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस में ये क्या है, रिलेटिव मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास है किसका, किसी भी मॉलिक्यूल का या कंपाउंड का है, ठीक है। यानी कि यौगिक ये किसमें एक्सप्रेस होगा, ये ग्राम में एक्सप्रेस होता है, इसको हम ग्राम्स में लिखते हैं। अब क्या है कि ये मेल कहते हैं कि मोल केमिस्ट की काउंटिंग यूनिट होती है, उनको अगर हम ग्राम में, अगर मोल के बारे में उनको पता नहीं होगा तो रिएक्शंस नहीं करा सकते, रिएक्शन के बारे में वो नहीं बता पाए कि रिएक्शन कैसे होगा। तो मोल क्या है, केमिस्ट्री काउंटिंग यूनिट होती है और मोल के बारे में भी वो लोग इंफॉर्मेशन रखते हैं। मोल अगर निकालना हो किस चीज का, तो मोल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गिवन मास जितना मास दिया होगा अपॉन इस मॉलिक्यूल का मोलर मास। अगर ये भी हो सकता है कि मोल निकालने के लिए कह दिया जाए और ये उसमें किसी एलिमेंट में या किसी मॉलिक्यूल में उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल अवेलेबल है, तो उस टाइम पे अगर हमें मोलर मास निकालना होगा तो मोल को गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपन अवोगाड्रो नंबर से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें मोल पता चल जाएगा उसमें कितना मोल अवेलेबल है। ये है कॉन्सेप्ट मोल कॉन्सेप्ट का, इतना इसमें था।